हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल लव द ग्रीन। आज मैं हूँ अपने स्पिनच प्लांट के साथ जिसमें लग गई है लीफ कर्ल डिजीज़। तो देखते हैं हम घर से होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं स्पिनच के लीफ कर्ल डिजीज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस डिज़ीज़ के सिम्टम की। तो इस डिज़ीज़ में जो लीव्स होती हैं वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है, इसी वजह से इसको लीफ कर्ल कहते हैं। और उसी लीव की वेंस जो हैं थिक हो जाती हैं और ये डिज़ीज़ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। लीफ कर्ल का एक सोल्यूशन और शेयर किया हुआ है मैंने चिली प्लांट के लिए, जिसमें मैंने कर्ल को कॉपर वेसल में रख के न्यू सब्सटेंस बनाया था। वैसे तो कॉपर असेंशियल होता है हेल्थ के लिए, बट हायर डोज इसकी हार्मफुल हो सकती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट सोल्यूशन लेकर आई हूँ। जिसकी वजह से, क्योंकि हम लीफ कंज्यूम करते हैं स्पिनच की, तो बिल्कुल कोई रिस्क ना रहे इसको कंज्यूम करने में। और चिली प्लांट में तो हमें लीफ कंज्यूम नहीं करनी होती है, तो इसीलिए हम वहाँ पे कॉपर वेसल वाला सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो चलिए देखते हैं। गार्लिक और कर्ड, मैं 100 ml कर्ड में अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 क्लोव्स को एक साथ ब्लेंड करेंगे और इसको एज अ पेस्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लेंड हो रहा है अच्छे से, एंड देन हम इसको सीव करेंगे, जिससे कि गार्लिक के जो छोटे छोटे पार्ट्स रह गए होंगे वो आपके स्प्रेयर में माउथ पर ना फंसें। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है। अब मैं 1 लीटर वाटर में 10 ml की रेशियो के साथ हम इसको ऐड करेंगे और इस सॉल्यूशन को हम 1 वीक से 10 डेज तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और इसे डेली बेसिस पे हमें स्प्रे करना होगा। स्प्रे करते वक्त रेशो का ध्यान रखना है, एक्सेस अमाउंट में भी लीफ बर्न हो सकती है। तो स्प्रे करते हुए हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्प्रे हमें तेज़ धार वाला यूज़ करना है, जिससे नीचे की छोटी छोटी लीव्स जो हैं अगर इन्फेक्टेड हैं तो वहाँ तक ये पूरा सॉल्यूशन हमारा पहुँच जाए। अब मैं सारे स्पिनच को ट्रिम कर रही हूँ, जिससे जो न्यू लीफ आए वो इन्फेक्टेड लीफ के टच में ना रहें और हेल्दी लीफ ग्रो करें। ये डिज़ीज़ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बहुत इजीली जल्दी से फैलती है। देखिए ये मेरे दूसरे पॉट में भी स्पिनच लगा हुआ है, वहाँ पर भी ये पहुँच गई है, तो इसके लिए भी हम सेम ही सॉल्यूशन करेंगे। ये लीफ कर्ल डिजीज़ अभी मेरे प्लांट में स्टार्टिंग स्टेज पर ही है, कुछ ही लीफ इन्फेक्टेड हैं, तो स्टार्टिंग स्टेज में ही हम इसको कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। 10 डेज तक ये कंटिन्यू करने के बाद देखिए मेरे प्लांट की पिक्चर है जो थोड़ा हेल्दी दिख रहा है पहले से। इसमें अब मुझे कोई लीफ कर्ल नहीं दिख रहा है, तो इसको अभी हम और 1-2 दिन कंटिन्यू रखेंगे और अगेन ये प्लांट हमारा फिर से हेल्दी हो जाएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव द सेम प्रॉब्लम विद योर स्पिनच प्लांट ट्राई दिस, इट विल गिव यू 100% रिजल्ट। थैंक यू, बाय बाय।